केस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी आप रैंड बिटवीन, एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में रैंड बिटवीन का, तो रैंड बिटवीन जब भी आप लगाते हैं तो रैंड बिटवीन के साथ दिक्कत ये रहती है कि आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज करते हैं रैंड और फिर यहाँ पे बिटवीन और फिर यहाँ सबसे छोटा नंबर फिर सबसे बड़ा नंबर देकर के एंटर करते हैं और फिर आप इसको इस तरीके से ड्रैग करवाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से ड्रैग करा, फिर यहां से ड्रैग करा तो नीचे तक आए। तो ये आप करते हैं, इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही बार में ये हर जगह जहां तक हम चाहें वहां तक नंबर्स भर जाएं, उसके लिए आप ड्रैग ना करके एक काम कर सकते हैं। पहले तो उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लीजिए जितने हिस्से में आपको ये रैंडम नंबर्स जनरेट कराने हैं। अब इसके बाद जहां फॉर्मूला लगाना है वो चीज हाईलाइट है, यहां पे देखिए ये थोड़ा सा व्हाइट में दिख रहा है आपको, यहीं पे फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो इज इक्वल टू लगाया, यहां पे लिखेंगे रैंड बिटवीन और जैसे ही रैंड बिटवीन लिखेंगे तो यहां फॉर्मूला हमारा आ ही जाता है, तो आर ए एन डी रैंड बिटवीन हो गया। और ये टैप बटन प्रेस कर दीजिएगा, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर फिर यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर दे दिया और आपको अब ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि हर जगह यानी जहां तक आपने सिलेक्शन करा था वहां तक ये नंबर्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मेथड मुझे लगता है कि ज्यादा थोड़ा आसान है और ज्यादा ईजी है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।